प्रातः क्लास चल रहा था 31/3/1967 शुक्रवार को चौथे पेज के मध्याध में बात चल रही थी। दो गेट हैं, स्वर्ग का गेट और नरक का गेट। तो ये समझाने का बहुत अच्छा है। ठक से स्वर्ग के गेट पर ले जाना चाहिए, पहले हिंदी में बताओ क्या स्वर्ग का दरवाजा। और नरक का दरवाजा स्वात्मा को कहा जाता है। गा माने आत्मिक स्थिति में गया, आत्मिक स्थिति में रहने वाला आत्मिक स्थिति में स्थिर होगा तो स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा, और नर मनुष्य को कहा जाता है। नर माने मेल या फीमेल है, मेल तो नर प्लस का माने करने वाला, नर माने नर, नर क्या करने वाला, नरक बनाने वाला। और स्व स्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाने वाला। अंग्रेजी में नाम लगा दिया है, इंडिया गेट, क्या इंड आ क्या आ गया, इंड आ गया। कब आता है इंड दुनिया में है? कहते हैं महारानी विक्टोरिया जब आई थी तो उसके स्वागत में इंडिया गेट बनाया गया। विक्टोरिया का अर्थ क्या है? विक्टोरी या विक्टोरी माने जीत, ये रही जीत। तो उन्होंने तो फॉलो किया है, विक्टोरिया कौन से धर्म की महारानी? क्रिश्चियन धर्म की।
और क्रिश्चियंस ने फॉलो किया वो कृष्ण को। बाबा भी ब्रह्मवाक्य मुरली में बोलते हैं कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो वास्तव में कृष्ण तो भगवान का बच्चा है, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है ना। किसने पैदा किया है? मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को पैदा किसने किया? जो नर से नारायण बनता है। उसने पैदा किया, जिस बच्चे को पैदा किया मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को, भक्ति मार्ग में उसे समझ लिया है गीता का भगवान। 16 कला संपूर्ण कृष्ण गीता का भगवान। अरे भगवान तो 16 कला संपन्न देवता बनाने वाला है, बनने वाला तो नहीं है, है? वो कलाओं में बंधा हुआ है या कलातीत है? तो गाया हुआ है शास्त्र में कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। और भक्ति मार्ग में लोगों ने कृष्ण बच्चे को भगवान मान लिया और कृष्ण बच्चे को बोलते हैं कि 16 कला संपूर्ण था, कीर्तन भी करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माने जो कृष्ण है वो ही नारायण है, वो ही वासुदेव है। लेकिन वास्तव में कलाओं में बंधा है मान तो भगवान हो ही नहीं सकता। जो भगवान है कलातीत है। तो किसकी बात है? कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या कृष्ण का बाप भगवान है? कृष्ण को जन्म देने वाला? हाँ, बीज को बाप कहा जाता है, पत्ते को तो पत्ता ही कहेंगे। तो जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, वो नर होता है कलयुग के अंत में, और भगवान उसको नर से नारायण बनाते हैं। तो नारायण बड़े का नाम है या छोटे का नाम है? बच्चे का नाम है, बड़े का नाम है, क्योंकि नारायण का अर्थ ही है नार माने ज्ञान जल,
आया न माने घर। जो ज्ञान जल रूपी घर में रहता हो, जल से कभी बाहर आता ही न हो, तो क्या बच्चा ज्ञान के जल में रहेगा? है? बच्चा की बुद्धि सदैव ज्ञान जल में स्नान करती रहेगी क्या? ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहेगा क्या? नहीं। ये तो कलयुग के अंत में कोई बड़े आयु वाले मनुष्य की बात है। जो नर कहा जाता है, उस नर को जिसने नारायण बनाया वो असल में भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान तो ऊंचते ऊंच को कहा जाएगा कि नीच को कहा जाएगा? भगवान तो परे ते परे स्टेज में रहने वाला होगा। ऐसे परे ते परे स्टेज जिससे ऊंची परे की स्टेज में कोई भी न रहता हो, और ऐसा भगवान तो वो ही हो सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो। उसको कहा जाता है निराकार, क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में प्राणी आते हैं वो तो साकार होते हैं, साकार शरीरधारी। और जो नर है, नर से नारायण बनता है, वो भी साकार होता है। साकार होगा तो साकारी देह होगी, देह होगी तो देह के बंधन में होगा। अगर देह के बंधन महसूस न हो तो उसे नारायण बनने की दरकार ही क्या है? तो जो नर को नारायण बनाने वाला है वो सदा निराकारी है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है। तो वो निराकारी जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसमें तीनों काल का ज्ञान कैसे आ जाता है? और ज्ञान आता है तीनों काल का तो किसके आधार पर तीनों काल का ज्ञान आता है? तीन काल के ज्ञान का आधार क्या है? अरे बिना आधार के कोई कुछ होता है क्या? तो तीनों काल के ज्ञान का आधार तब ही बनता है जब कोई हो।
तीनों काल में आवर्तन करने वाला। जिसके तीनों काल जब व्यतीत हो जाएं, फिर भी मौजूद रहे, लोप न हो जाए, उसको गीता में कहा है, इस दुनिया में जो सत्य होता है, सदा सत्य होता है, तीनों काल में सत्य होता है, या एक दो काल में सत्य होगा फिर असत्य हो जाएगा, है? तीनों काल में सत्य होता है। तो तीनों काल में सत्य रहने वाली एक ही आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि पर। और वो हमारे शास्त्रों में शंकर के नाम रूप से गाई जाती है। जो मान्यता है कि शंकर के माता पिता का नाम कोई को मालूम ही नहीं। सुने जन्म लिया, कब जन्म लिया, कोई को पता ही नहीं। उसको कभी मृत्यु होते किसी ने देखा ही नहीं। तो वो है जो शास्त्रों में विश्व पिता माना गया है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व को नाथने वाला है। क्या? सारे विश्व की जो भी प्राणी मात्र आत्माएं हैं, ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माएं, सबको नाथ डालने वाला। कोई पति होता है ना, तो पत्नी को क्या डालता है नाक में? नथनिया डाल देता है कि हमारे कंट्रोल में रहे। तो विश्व पिता है या विश्व पति है, तो सारा विश्व सभी धर्म की आत्माएं उसके कंट्रोल में रहेंगी, तभी तो विश्व पिता या विश्वपति कहा जाएगा। कंट्रोल में ही न हो तो विश्व पिता या विश्वपति कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो नर से जब नारायण बनता है, तो नारायण बनने से पूर्व वह नर से नारायण बनने वाला भगवान से, भगवान भगवती की उपाधि ले लेता है। क्या? जैसे कोई बच्चा होता है तो अपने बाप से उसको अटक मिल जाती है ना, नहीं मिलती है? टाइटल नहीं मिलता है? टाइटल मिलता है,
बाप का टाइटल बच्चे के ऊपर जाता है। तो ये मनुष्य सृष्टि में जब अनेक धर्म व्याप्त हो जाते हैं तो वो त्रिकालदर्शी भगवान इस सृष्टि पर तब आता है जब देखता है कि कोई मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो तीनों काल को क्रॉस करके इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ठहर जाती है। नहीं तो कोई भी मनुष्य आत्मा या प्राणी मात्र नहीं है जो तीनों कालों को क्रॉस कर सके। कोई भी ग्रेट से ग्रेट धर्म पिता ही क्यों न हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी तीनों काल को क्रॉस करके नहीं रहता। तो जो आत्मा तीनों काल को क्रॉस करके आती है तो उसके तीनों कालों को वो जानता है। कौन? जो कभी साकार शरीर में नहीं बंधता, सदा निराकारी स्टेज में रहता है। और आता कब है? आता तब है जब वो तीनों कालों में षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्मा अपने अंतिम 84वें जन्म में वानप्रस्थ अवस्था को क्रॉस कर जाती है। मना 60 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, इसलिए गायन है 60 तो लगे लाठ, ज्ञान की लाठी। तो ज्ञान की लाठी लगती है उस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा को तब जब वो त्रिकालदर्शी निराकार आत्मा उसमें प्रवेश करती है। और प्रवेश करके कोई काम लेगी या नहीं लेगी है? तो उसे काम लेना है कलयुग के अंत की दुनिया में जब अनेक धर्म फैल जाते हैं और बहुत ही झगड़े टंटे बढ़ जाते हैं। एक भी मनुष्य आत्मा के संकल्प मात्र भी दूसरी मनुष्य आत्मा के संकल्प से पूरे मेल नहीं खाते, टकराते जरूर। यहां तक के घर घर में पति पत्नी के बीच में भी टकराहट होती है, तब गीता में भगवान ने आके बताया सर्वधर्मान परित्यज्य
क्या? सब धर्मों को त्याग दे। परित्यज्य का मतलब है परि माने चारों ओर से त्याग दे, मनसा वाचा कर्मणा, समय संबंध संपर्क सब प्रकार से त्याग दे। सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को त्यागेगा या नहीं है? धर्म पिताओं को भी त्यागना पड़े, धर्म गुरुओं को भी त्यागना पड़े। तो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा जिससे नई दुनिया की स्थापना का काम लेना है, क्योंकि अंग्रेज लोग भी ये बात मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह मियां क्या करता है। अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉडफादर, सुप्रीम गॉडफादर क्या है, क्या करता? हेवनली क्यों कहा? हेवन का बनाने वाला है, इसलिए हेवनली गॉडफादर कहते हैं। तो हेवन माने नई दुनिया, विन माने जीतना, है माने जीत लिया है, माना जब वो आता है, जिसमें आता है उसके द्वारा ये काम कराता है कि सारी दुनिया को जीतने का काम करवाता है। सारी दुनिया को कोई जीतेगा तभी तो सारी दुनिया के ऊपर राजी करेगा है? बिना जीत पाए कोई राजी करता है क्या? लेकिन जीत तो बाद में पाएगा। पहले तो जिसमें प्रवेश किया वो अपनी आत्मा को तो पहचाने, कि मेरी आत्मा इस मनुष्य सृष्टि पर अव्वल नंबर क्या पार्ट बजाने वाली है। मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा उत्तम से उत्तम जन्म क्या है? जन्म होगा तो बच्चे के रूप में होगा, या बड़ा होकर पैदा हो जाएगा है? पहले तो जैसे बच्चे में कम ज्ञान होता है, है? बड़ा होता है तो ज्ञान वृद्धि को पाता है। तो भगवान भी जब प्रवेश करता है निराकार, तो जिसमें प्रवेश करता है उससे काम लेने के लिए नामकरण करता है। उसे क्या काम लेना है?
नई दुनिया बनाना है। नई दुनिया बनेगी तो एक परिवार होना चाहिए, परिवार का एक मुखिया बाप होना चाहिए, परिवार में एक ही धर्म रूपी धारणा होनी चाहिए। जो धारणा ऊंचे से ऊंची धारणा हो, क्या है ऊंचे से ऊंची धारणा? भूल गए? धारणा जो बुद्धि में धारण की जाए सदाकाल, आत्मिक स्थिति, स्व धर्म, स्व माने आत्मा, स्वधर्मे निदनम से यह, अपने धर्म की स्मृति में मृत्यु हो जाए कोई परवाह नहीं, तो ये ऊंचे से ऊंचा धर्म हो पूरे परिवार का, ऐसे परिवार की स्थापना करता है, नई दुनिया उसे कहा जाता है। तो नई दुनिया रूपी नए परिवार जिसे आज भी दुनिया में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम्, सारी वसुधा ही कुटुंब बने, परिवार बने, और लोग ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, दोनों ही बातें कहते हैं लेकिन जानते नहीं कि ये बनेगा कैसे। सीधी सी बात है, एक परिवार तब बनता है जब एक बाप हो, है? और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म के लोग मिलकर के एक हो जाएं, वो तो तब ही संभव है जब एक को अपना धर्म पिता माने। क्या तब ही संभव है? तो ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आती, भले अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है, लेकिन ये बात नहीं आई कभी बुद्धि में कि भगवान ने जब नई दुनिया बनाई होगी, जिस नई दुनिया में सारी वसुधा एक परिवार की तरह पल रही होगी, तो बताओ ऐसी नई दुनिया रूपी परिवार का हो कुटुंब का हो बनाने के लिए भगवान को पहले पहले क्या चाहिए? दुनिया में भी कोई भी बाप परिवार रचते हैं तो परिवार रचने के लिए क्या चाहिए? माँ चाहिए ना? नहीं चाहिए? तो भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं, जिन्हें निराकार भगवान कहा जाता है, त्रिकालदर्शी, तो वो बल पुरुष तन में आते हैं।
क्या? लेकिन काम निकालने के लिए उस पुरुष तन का भी नामकरण करते हैं ब्रह्मा, जिसे हम सब ब्राह्मण जानते हैं। दादा लेखराज का तन भी पुरुष का था या स्त्री का? फिर जब प्रवेश किया तो क्या नाम दिया? ब्रह्मा नाम दिया। तो ये परंपरा है समाज में, मानवीय समाज में ये परंपरा बन गई, श्रेष्ठ परंपरा, कि कोई भी बाप, चाहे बेहद का बाप हो चाहे हद का बाप हो, वो जब अपना परिवार रचेगा तो पहले पहले क्या चाहिए? माता चाहिए। अब माता तो फीमेल को कहा जाता है ना? कोई मेल को थोड़ा ही माता बनाएगा, फीमेल को माता कहा जा सकता है काम लेने के लिए। और यहां बेहद में वो निराकार भगवान तो, त्रिकालदर्शी भगवान तो पुरुष है ना? पुरुष माने पुरु माने शरीर रूपी पुरु, श माने शयन करने वाला, आराम से रहने वाला, माने आत्मा। शरीर रूपी पुरी में जो आराम से रह सकती है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरुष। और आत्माओं के बीच में, पुरुषों के बीच में परे ते परे पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा को कहा जाता है परम पुरुष। क्या कहा जाता है? परम पुरुष। तो परम पुरुष को नई सृष्टि रूपी रचना नए परिवार के रूप में रचनी है। नई दुनिया रचेगा तो पारिवारिक इकाई चाहिए ना? तो उसे माता चाहिए। तो जिस तन में प्रवेश करता है वो आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है, है? पार्ट तो तब बजाएगा जब उसे ग्रहण करने वाला उस रूप में ग्रहण करेगा। तो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा मेल है या फीमेल है? है? फीमेल है। कैसे? अरे वो तो परम पुरुष है। है? हाँ, वो परम पुरुष है। और जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा पुरुष है
या स्त्री चोला है? चोला पुरुष का है। और उसे चाहिए क्या? है, उसे तो स्त्री चाहिए, माता चाहिए। तो ये कैसे जोड़ी बन गई? कि दोनों ही पुरुष हों और जोड़ी बन जाए, ये तो संभव नहीं है। तो बताया जिसे स्त्री चोला कहा जाता है, माता हो, बहन हो, पुत्री हो, कोई भी फीमेल संबंधी हो, वो फीमेल्स की मेल के मुकाबले क्या खासियत होती है? सहन शक्ति ज्यादा होती है, धारण करने की शक्ति ज्यादा होती है, और पुरुष में धारण करने की शक्ति नहीं होती। दुनिया का कोई भी पुरुष हो, पुरुष रूप में जन्म लेता है तो बचपन में तो उसे वो राज की बात का पता ही नहीं रहता कि परिवार कैसे बनता है। बच्चे को पता रहता है? ये तो भक्ति मार्ग में भक्तों ने नाम दे दिया है कृष्ण भगवान। अरे भगवान राजयोग कैसे सिखाएगा जब तुमने भगवान को बच्चे के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया? बच्चा क्या जाने राज की बात को। तो असली बात यह है कि जिस तन में प्रवेश करता है उस तन को पकड़ता है। क्या? आत्मा को नहीं पकड़ता है? आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है पुरुषार्थ करने के लिए कि आत्मा को कैप्चर करता है? उसका तो नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, किसी के ऊपर अपनी बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती करने की बात ही नहीं। तो वो तन लेता है। क्या? तन लेता है, आत्मा को कैप्चर नहीं करता, मुट्ठी में नहीं लेता, और ऐसा तन लेता है जो कठोर हो। क्या? स्त्री कठोर होती है या पुरुष कठोर होता है? पुरुष कठोर होता है और स्त्री
लचीले स्वभाव की होती है, वो स्वयं भी कठोर है, या लचीले स्वभाव का है? है वो स्वयं कैसे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है? है वो ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा बन जाती है कि अखूट ज्ञान का भंडार बन जाती है, त्रिकालदर्शी, जब तक त्रिकालदर्शी अखूट ज्ञान का भंडार वो न बने तब तक प्रवेश नहीं कर सकता, और जब बन जाता है तो प्रवेश करता है। तो वो सुप्रीम सोल निराकार शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं तो शरीर का नाम ही नहीं होता। वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आती है तो जानती है कि मुझे अपने समान को माता बनाना है या जो समान नहीं है उसको माता बनाना है। समान किस बात में समान? जिसमें प्रवेश करता है वो किस बात में समान है? निराकारी स्टेज में समान है, वो निराकारी स्टेज में समान है, है? अंतिम जन्म में मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा निराकारी होता है कि देह अभिमानी सांडा होता है, है? देह अभिमानी होता है। तो विपरीत हुआ या उसके अनुकूल हुआ? समान हुआ। क्या हुआ? विपरीत हुआ ना। तो यही आकर्षण का कारण। दुनिया में भी जो बच्चे बड़े होकर के सत्व को धारण करते हैं, नौजवान बनते हैं, तो सत्व की शक्ति आती है ना, उस सत्व की शक्ति को वो जीवन भर अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकते। अरे रख सकते हैं? नहीं है? नहीं रख सकते। कोई ने कभी ऐसा कोई देखा हो जेंट्स पुरुष, यह समझा हो कि स्वामी विवेकानंद या हनुमान जैसे कोई हुए होंगे जिन्होंने सारा जीवन अपनी सत्य की शक्ति को अपने अंदर धारण करके रखा हो? क्या कोई होता ही नहीं ऐसा? तो जो उनको तनख हो जाती है क्या, वो दीवाने बन जाते हैं, आशिक बन जाते हैं,
माशू के लिए, तो उसे वो चीज मिल गई। क्या मिल गया है? और वो ऊंचे ते ऊंचे, परे ते परे शक्ति है, तो उसे ऊंचे ते ऊंचा आधार ही चाहिए या सामान्य चाहिए? है ऊंचे ते ऊंचे है तो उसे ऊंचे ते ऊंची ही चाहिए। भले उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो निराकार है 100%, और जिसमें प्रवेश किया वो है साकार 100%। कि परसेंटेज में कम है, 100% देह अभिमानी। इसलिए परंपरा पड़ गई, ये सृष्टि के लिए, सृष्टि निर्माण के लिए, चाहे हद की सृष्टि हो चाहे बेहद की सृष्टि हो, देवताओं की सृष्टि हो, मनुष्यों की सृष्टि हो, राक्षसों की सृष्टि हो, प्राणियों की सृष्टि हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगों की सृष्टि हो, कितने चाहिए? दो। और अपोजिट चाहिए कि समान चाहिए? अपोजिट चाहिए। एक फीमेल हो तो एक मेल हो। अच्छा, तो वो बेहद का तो मेल है, जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है काम निकालने के लिए अम्मा ब्रह्मा। तो दोनों अपोजिट हुए कि नहीं? वो निराकार और वो साकार। निराकार जितना निराकार होगा, सूक्ष्म होगा, उतना तीक्ष्ण होगा या नहीं है? और जितना साकार होगा, देह अभिमानी होगा, उतना मंद होगा। इसलिए कहावत है, अकल बड़ी की भैंस। क्या बड़ी है? अकल माने बुद्धि, बुद्धि माने आत्मा। तो इससे ये साबित हो गया कि पुरुष होता है सूक्ष्म बुद्धि और स्त्री होती है देह अभिमानी। ज्यादा देह का ओना किसके अंदर रहता है? देह का बहुत अहंकार स्त्री के अंदर रहता है या पुरुष के अंदर रहता है? स्त्री के अंदर देह का अहंकार ज्यादा रहता है, पुरुषों के अंदर देह का अहंकार इतना नहीं होता है। इसलिए पुरुष तो नंगे भी रहते हैं। बहुत से धर्मों में देखा होगा कि जो सन्यासी बन जाते हैं और नंगे रहते हैं। सिखों में भी कहते हैं निहंग, हिंदुओं में होते हैं नागे बाबा, जैनियों में होते हैं नंगे। तो वो सब पुरुष होते हैं या स्त्री चोले वाले होते हैं? है पुरुष। इसका मतलब वो निराकारी स्टेज फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में ज्यादा होती है।
और दोनों का मेल होता है तब ही सृष्टि बनती है, परिवार बनता है। ये परिवार बनाने की पहल दुनिया में किसने पहले पहले की? उस आत्मा का नाम बताओ। है? आत्मा का नाम बताओ। है? नहीं नहीं, पहल किसने की? दोनों आशिक और माशूक, माशूक पहले पहल करता है या आशिक महल करता है पहल करता है? है? माशूक पहल करता है? है? पहल कौन करता है? अरे बाबा ने भी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, विकारों के मामले में पुरुष हमेशा पहल करते हैं। क्या? चाहे वो देवात्मा क्यों न हो। क्या? दृष्टि विकृत करेगा, चाहे वो कृष्ण की आत्मा क्यों न हो, तो पहल कौन करेगा? है? पुरुष करेगा। स्त्री कभी पहल नहीं करती, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां। जो पुरुष है उसको कहा जाता है आशिक, और स्त्री को कहा जाता है माशू। कौन किसके पीछे भागता है? है? माशू के पीछे आशिक भागता है। तो पहल करने वाला कौन हुआ? आशिक हुआ। तो परिवार बनाने के मामले में या नई सृष्टि रचने के मामले में इस दुनिया में कौन सी आत्मा है जिसने पहल की है और उसको सारी दुनिया फॉलो करती है? कौन है? अरे आत्मा का नाम बताओ। शिव। शिव। और शिव ने ही गीता गाई है, उस गीता में ही ये बात है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ सारी दुनिया मेरे पीछे पीछे फॉलो करती है। प्राणी मात्र, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। क्या? तो निराकार भगवान ने ये पहल की है। क्या? इस दुनिया में नया कुटुंब या नया परिवार या नई दुनिया बनाने के लिए वो जिसको चुनता है, अपोजिट को चुनता है। किसको? अपोजिट को। अपोजिट का संगम होता है क्या? स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अपोजिट हैं या समान हैं?
तो जो अपोजिट है उनका संगम होगा तो सृष्टि बनेगी, परिवार बनेगा। किस बात में अपोजिट दोनों आत्माएं है? हाँ, वो निराकार है और जिसमें प्रवेश करता है वो देह अभिमानी है। कोई कहे देह अभिमानी तो सारे ही है, वो अकेला कैसे देह अभिमानी? क्या प्रूफ? प्रूफ चाहिए। ब्रह्म वाक्य मुरली में है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात न मानते हैं न सुनते हैं, सुनी अनसुनी कर देते, फालतू बोलता है। है? तो शिव बाप जिसको आकुपाई करते हैं आशिक बन करके, कैप्चर करते हैं, वो उसके अपोजिट है, देह अभिमानी है। और दुनिया के जितने भी देह अभिमानी हैं, उनमें सबसे जास्ती देह अभिमानी। जास्ती देह अहंकारी। इसलिए ब्रह्म वाक्य में नाम देते हैं पहचान भी देते हैं। क्या मुरली में पहचान दी है? अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्या बोला? सर्व सेंटर्स माने कितने? ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया, तुम बच्चों के लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तो उन सेंटर्स का, सर्व सेंटर्स का बीज रूप सेंटर क्या बताया? अहमदाबाद। क्या मतलब हुआ? जो अहम को बाद में पैक करा, जो अपने अहंकार को बाद में दे, अहम दा बाद। जैसे अल्लाहाबाद अंग्रेजों ने नाम रखा, बाद में अल्लाह प्रत्यक्ष होता है, अल्लाह बाद में आता है। फरुखाबाद बाद में फर से खा जाता है सारी दुनिया को। जैसे ऑल इंडिया को पट से खा गया इलाहाबाद, नेहरू जी कहां से पैदा हुए? इलाहाबाद से। इलेक्शन हमेशा कहां से जीतते रहे? क्यों है? वही स्थान उन्होंने क्यों चुना? अरे हाँ, जहां के थे वहां के लोग उनको बहुत चाहते थे।
बुद्धि में बैठा हुआ था। चिंडिया का ये सरताज जो भारत में सबसे जास्ती लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहता है वो ये आत्मा है। तो हमेशा वोट देते रहे और वो हमेशा जीतता रहा। ऐसे ही फरुखाबाद वाले लोगों को पता चल जाएगा, जो बाबा ने फरुखाबाद वाले लोगों से प्रश्न किया है, जो मालिक को मानने वाले फरुखाबाद के लोग हैं उनसे पूछो वो मालिक साकार है या निराकार। अभी तो बेचारे जानते हैं, अभी तो जानते ही नहीं, लेकिन कभी जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे। जब जानेंगे तो फरुखाबाद कौन से स्टेट में है? यूपी में। और अव्यक्तवाणी में बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या जैसे शंकर जी ने भस्मासुर से युद्ध हुआ या रावण से युद्ध हुआ तो रावण को कहना पड़ा, अरे तू युद्ध कहां करता है, तू तो खेल करता है खेल। रावण पहचान गया कि ये युद्ध नहीं कर रहा है, मुझे खेला खेल खिला रहा है। तो ऐसे ही यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है कि धर्म युद्ध कैसे किया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सात धर्मों को त्याग दे, सात धर्म पिताओं को धर्म के गुरुओं को मार गोली, ऐसा युद्ध। कौन सा स्टेट दिखावेगा? है? है? यूपी। और यूपी में भी वो कौन सा स्थान जहां के जहां का व्यक्ति प्रसिद्ध है। ब्रह्म वाक्य मुरली में 20 बार वो शब्द आया है। क्या? फरुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, जैसे इलाहाबाद के लोग नेहरू को बहुत मानते थे। तो बात बताई कि वो निराकार विदेही, क्या कैसा विदेही, देह अभिमानी में प्रवेश करता है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा देह अभिमानी है, है? और ब्रह्म वाक्य मुरली में उसका इशारा भी देता है। अभी बताया क्या अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप, माने दुनिया में जितने भी सेंटर्स बनेंगे इस ईश्वरीय ज्ञान के लेन देन करने के लिए, उन सब का बीज कहां से निकलेगा? अहमदाबाद। और नाम उस शहर का पड़ा अहमदाबाद, माने सारी दुनिया को झुका लेता है फिर अपना अहंकार दे देता है। क्या कहा है? पहले नहीं झुकेगा, शूटिंग पीरियड में झुकता होगा। 4 सीन का ह्यूज ड्रामा है ये दुनिया,
सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। चारों सीन का रिहर्सल भी तो होता होगा। उसका रिहर्सल कराने वाला डायरेक्टर भी तो होगा जो पर्दे के पीछे रहता है। कौन है? शिव बाप। उसको कोई इन आंखों से देखता ही नहीं, पर्दे के पीछे रहता है या सामने रंगमंच पे आता है, पीछे रहते हैं। तो जब वो आता है उस युग का नाम देता है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या नाम देता? ये शूटिंग काल है, ह्यूज ड्रामा की शूटिंग का काल, रिहर्सल का काल है। चारों युगों की शूटिंग होती है और चारों युगों में जो आत्मा हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है उसको इस संसार में पहले प्रत्यक्ष करता है। पहले प्रत्यक्ष करता है या वो स्वयं प्रत्यक्ष होता है? अरे स्वयं प्रत्यक्ष होता है या वो प्रत्यक्ष करता है? आदर्श स्थान वो प्रत्यक्ष करता है, वो प्रत्यक्ष करता है, स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर भारतीय शास्त्रों में स्वयंभू किसको कहा गया? शंकर का नाम तो शिव के बाद लिया जाता है, सदैव कहते हैं शिव शंकर, कभी नहीं कहते शंकर शिव। तो शंकर है सर्वोपरि है क्या? सबसे ऊपर शंकर है क्या? शिव है ना। लेकिन शंकर को स्वयंभू कहते हैं या नहीं? और कहने के पीछे कारण भी दिखाते हैं कि उसके माई बाप को कोई जानता है? है? नहीं जानता। उसका जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। वो स्वयं ही अपने जन्म के लिए उत्तरदायी है। क्या? उसका जनक, जनक माने बाप, जन माने जन्म, का माने करने वाला। उसका जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म करने वाला वो स्वयं अपने पुरुषार्थ के आधार पर, या वो अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अगर वो है उसको प्रत्यक्ष करने वाला तो करता है या नहीं करता? वो करता है कि अकर्ता? तो वो तो हो ही नहीं सकता। हो सकता नहीं, वो तो स्वयं कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, क्योंकि मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाए। मेरे को तो कर्मेंद्रियां ही नहीं है तो प्रैक्टिकल में करके कैसे दिखाऊंगा?
तो साबित होता है कि वो अकर्ता शिव इस सृष्टि पर आकर सिर्फ अखूट ज्ञान का भंडार देता है। क्या उसके पास क्या पावर है? ज्ञान का अखूट भंडार की पावर है। जैसे कोई भी बाप होता है, पहले कुमार होता है, नौजवान होता है या बुढ़ा होता है? नौजवान होता है। जिन कुमारों को वरदान मिला हुआ है, क्या क्या वरदान मिला हुआ है? बहुत बड़ा वरदान, शक्तिशाली मिला हुआ है। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। अरे ऐसी कुमारों में क्या ताकत है? कौन कुमार ऐसे हैं जो कुमार बनते ही अरबपति, शंखपति, पद्मपति बने हुए बैठे हो, या किसी देश की सरकार में बड़े ते बड़े पद पर बैठे हुए हो? और फिर एक कुमार की बात नहीं बताई, सभी कुमारों के लिए बताया। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कुमारों में? हा? अरे कुछ है या ऐसे ही बोल दिया? क्या है? पवित्रता मना टट्टी पेशाब जाते हैं तो हाथ पांव धो के नहा के आते हैं, ये पवित्रता है? प्योरिटी कहो, पवित्रता कहो। प्योरिटी उसे कहा जाता है जिसमें यूनिटी की ताकत हो। प्योरिटी माना यूनिटी की शक्ति, और वो यूनिटी की शक्ति संगठन की शक्ति तब ही बन सकती है जब 100% दो संगठित हो जाएं, कम से कम। क्या संगठन कितने से बनेगा? कम से कम दो से। दो 100% संगठित हो जाएं, 100% माने आजीवन, जीवन भर के लिए एक दूसरे से संगठित बंधे हुए। तो ऐसा बंधन बांधने वाला कुमार कैसा? कुमार कैसा बंधन? यूनिटी बनाने वाला, यूनिटी जो प्योरिटी से तैयार होती। कैसी प्योरिटी? ऐसी प्योरिटी बनाए कि जिस प्योरिटी के आधार पर जिसका भी चुनाव करे, क्या नया परिवार बनाने के लिए इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति से चुनाव करे कि एक बार चुनने के बाद जीवन में कभी भी उस दृढ़ संकल्प को त्यागे नहीं, हिले नहीं। क्योंकि दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति क्या है? पवित्रता भी काहे से आती है? संगठन से पवित्रता नहीं आती, पवित्रता से संगठन बनता है, प्योरिटी से यूनिटी बनती है।
और पहली पहली प्योरिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए एक संकल्प में स्थिर होने की। क्या अनेक प्रकार की इच्छाएं नहीं, एक इच्छा सबसे बलवती हो, और ये दुनिया जानती है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य ने भी ये कहा है कि कुमारों में एक संकल्प और अदर कुमारों में 9999 संकल्प। अलग अलग पलड़ों पर रखे जाए तराजू पर तो कुमार का संकल्प एक ही भारी पड़ जाएगा। इतनी संकल्प में तीव्रता होनी चाहिए। नहीं समझ में आया है? ये नियम है कि जो संकल्प धीमी गति से किया जाएगा वो संकल्प कई जन्मों के बाद फलीभूत होगा, और जो संकल्प तीव्र गति से किया जाएगा वो जल्दी ही फलीभूत हो जाता है। सीधी बात है, कोई काम तीव्र गति से किया जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा, अलबेलेपन से किया जाएगा, किया छोड़ दिया, अरे फिर कर लेंगे, फिर किया फिर छोड़ दिया, तो जल्दी होगा या देर से होगा? हैं? संपन्न जल्दी होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही है, कुमारों का जो एक संकल्प होता है वो ज्यादा बलवान होता है या नहीं है? होता है। यही पुरुषार्थ का नियम है। अनेक प्रकार की इच्छाएं रखना कमजोर बना देती है, और इच्छा मात्रम अविद्या, एक ही इच्छा बलवती हो। क्या कहा? क्या इच्छा है? क्या इच्छा? हाँ, एक इच्छा, कुछ नहीं चाहिए। एक शिव बाबा दूसरा नहीं, एक ही संकल्प पक्का है तो सब कुछ प्राप्ति हो गई। और उसमें तीव्र गति भी चाहिए, तो यही बात मुरली में ब्रह्म वाक्य में बोली गई, शिव परमपिता के द्वारा, कि जब टाइम होता है मेरे त्रिकालदर्शिता का परिपक्व होने का, टाइम होता है, होता है कि नहीं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तो तीनों काल में आते ही नहीं,
देवात्मय जिन्हें कहा जाता है वो भी तीनों काल में आते ही नहीं, और तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहते ही नहीं। कौन रहता है? शिव बाबा या शिव बाप? इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज है ही नहीं, मौजूद अविनाशी। एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल अविनाशी है, तो वो साकार निराकार का मेल बाबा जब तीनों काल क्रॉस कर लेता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, चाहे शूटिंग का काल हो चाहे ह्यूज ड्रामा हो, तब उसे आकर बेला हो जाती है। जैसे कोई बच्चा नौजवान बनता है तो उसमें इच्छा शक्ति तीव्र जागृत हो जाती है। जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा नेपाल में 16 साल माना जाता है, भारतवर्ष में 18 साल माना जाता है। 18 साल होने तक उसके अंदर जो संकल्प की तीव्रता आती है नौजवान के अंदर, वो एक ही संकल्प होता है, आतरवेला पैदा कर देता है। ऐसे ही शिव बाप कहते हैं कि जब टाइम आता है, कौन सा टाइम? मेरे त्रिकालदर्शी बनने का टाइम, त्रिकालदर्शिता का सत्व मेरे अंदर तैयार हो जाता है तो मैं रुक नहीं सकता, आतरवेला हो जाती है। और वो इस सृष्टि पर आ जाता है। भारत का माशु भारत माशु की आशिक है, भारत तो माशुक और वो क्या बनकर आता है? आशिक बनकर आता है। और नाम देता माशुका का नाम क्या देता? काम निकालने के लिए क्या नाम देता? ब्रह्मा, परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा। तो अम्मा है ना, है जिसका नाम दिया वो माँ है ना कि बाप है? है माँ। स्वर्ग का गेट कौन खोलता है, माँ या बाप? परंपरा कहां से शुरू हुई? जो लोग आज भी कहते हैं घर की धरित्री अच्छी हो, घर की पत्नी घरवाली अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए,
और घर की धरित्री घर वाली पत्नी कुलक्षिणी हो तो घर नरक बन जाता है। इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई है? संगम युग में, जब वो निराकार बाप सुप्रीम सोल आता है तो जिस माता के द्वारा नई सृष्टि रचने का पहले पहले कार्य शुरू करता है वो अव्वल नंबर माता शास्त्रों में परम ब्रह्म कही गई और उसका इतना शास्त्रों में मान दिया है कि बोला है गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः, उसको नमन करता हूं, न ब्रह्मा को न विष्णु को न शंकर को। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ये परंपरा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, कि पहली पत्नी जो होती है पुरुष की, जो बाबा ने भी ब्रह्म वाक्य बोला है, भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, लेते हैं ना? लेकिन कौन सी पत्नी से पैदा हुए बच्चों को संसार में ज्यादा मान मर्तबा दिया जाता है? हैं? पहली पत्नी। ये परंपरा किसने डाली है? किसने डाली? शिव बाप ने डाली। वो जब आते हैं तो जिसको निमित्त बनाते हैं मां के रूप में नई सृष्टि रचने के लिए, नई सृष्टि रूपी परिवार बनाने के लिए, वो पहली पत्नी है। क्या उस पत्नी से जो डायरेक्ट सूर्य है वो क्या है? सूर्य। सूर्य का कोई से अटैचमेंट होता है, लगाव होता है? चंद्रमा से लगाव होता है? नौ ग्रहों से लगाव होता है? सागर से लगाव होता है? हैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, कोई से लगाव होता है? वो असल में सूर्य है। नई सृष्टि रचने के लिए जिसको निमित्त बनाता है उस माता में त्रिकालदर्शिता का जो सत्व इसके अंदर है कि नहीं, वो सत्व उस माता में आरोपण करने के लिए एड़ी से लेके चोटी तक की सारी ताकत लगाता है। बोल, दुनिया में भी पिता क्या करते हैं? है? अरे जो उनके जीवन में पहली माता होती है उस माता में अपने जीवन की जो सबसे बड़ी शक्ति है सत्व, जिसको धारण करने वाली अव्वल नंबर माता होगी तो सती कही जाएगी। क्या कहेंगे? सती। ऐसी माता को अपने जीवन की सारी शक्ति जो इकट्ठी करके रखी सारी अर्पण करता है और थोड़ी शक्ति लगा के अर्पण करता कि पूरी ही ताकत लगा के एड़ी चोटी की अर्पण करता? पूरी चोटी लगा दी।
उससे जो परिवार तैयार होता है उसको कहते हैं सूर्यवंशी परिवार। कैसा परिवार? सूर्यवंशी परिवार। जो माता और जो पिता मनुष्य सृष्टि का बीज कंबाइंड रूप में पार्ट बजाते हैं, माता पिता कंबाइंड हुए ना, उनकी यादगार है शिवलिंग। क्या क्या यादगार है? शिवलिंग। लिंग है माता की यादगार, साकार है या निराकार? माता साकार और बिंदु निराकार, आत्मा की यादगार। दोनों का मेल, साकार निराकार का मेल, उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। कौन सा रास्ता? प्र माने प्रकृष्ट रूप से, वृत्त माने गोलाकार, उसको कहते हैं वृत्त। स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो वृत्त बन जाता है या नहीं? शिवालय में जो यादगार रखी हुई है वो गोला दिखाते हैं या नहीं? वो प्रवृत्ति की यादगार है। ऐसी प्रवृत्ति जो कभी टूट नहीं सकती, कोई कितना भी तोड़ना चाहे तो भी टूट नहीं सकती। एक है बिंदु निराकार। सोमनाथ मंदिर में क्या था? बिंदु के रूप में हीरा था ना, पत्थर ही था ना, वो पत्थर बुद्धि बनता है। तो किसकी यादगार? जिसमें प्रवेश करता है वो अंतिम जन्म में संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो उसका शरीर पत्थर बुद्धि का काम करता है या आत्मा पत्थर बुद्धि का काम करती है? हा? हा? शरीर। किस बात में पत्थर बुद्धि? अमृत छोड़ बिख काये को खावे। किस बात में पत्थर बुद्धि है? अरे ज्ञान अमृत मिलता है, इतना ज्ञान अमृत इस मुकर्रर रथ के मुकर्रर मुख के द्वारा मिलता है, सारे संसार को मिलता है। तो सबसे सहज तो तेरे लिए है ना, अमृत ग्रहण करना। अरे नहीं, सबसे सहज तेरे लिए, तो ऐसा अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। फिर मानता है? हा? अरे मानता है, मान जाता है? अरे नहीं मानता। ओ नहीं मानता। ऐसा पत्थर जैसा तन है, इंद्रियां भी तन का अंग हैं, वो भी पत्थराई गई,
कि थोड़ी मोल्डिंग पावर है, है? है? नहीं, इसलिए एक ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, ब्राह्मणों की सभा के बीच, सब पुरुष हैं क्या? इसका मतलब पुरुष माने कठोर, पुरुष माने कठोर स्वभाव संस्कार वाले, सब नहीं है। तो इशारा दे दिया कि जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तन संग के रंग में आते 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 84 जन्मों के अंत में कैसा बन जाता है? पत्थर जैसा बन जाता। पत्थर भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं जिनके शिवलिंग बनाए जाते हैं, खासकर आज तामसी दुनिया में। एक काला ग्रेनाइट का पत्थर और दूसरा संगमरमर। क्या? संगमरमर का पत्थर सफेद और वो काला। क्या अंतर हुआ? उसका नाम पड़ा संगमरमर। संग में रह रह करके मरमर के जीता है। महाभारत में कोई पाटधारी ऐसा सुना जो आतताइयों के परिवार के बीच रहा जीवन भर, संग में रहा, मर मर के जिया? लेकिन जो माता की बलवती इच्छा होती है, उस माता की बलवती इच्छा को भी ठुकरा दिया। माता की बलवती इच्छा क्या होती है? मेरे बच्चे मेरे साथ रहें या दूर रहें? साथ रहें। उस बलवती इच्छा को भी ठुकरा दिया। राक्षस जैसा पार्ट बजाने वालों के साथ रहता रहती। कौन है? कारण नहीं, वो माता नहीं है, है? नहीं, जगदम्बा तो और ही असुरों के साथ रहती है। कुंती पांडवों की माँ। कौन ऐसी माँ होगी जो बच्चे कहें हमारे साथ चलो, और माँ इनकार कर देती है? जीवन भर उन आसुरी जैसे स्वभाव संस्कार वालों के साथ रहती है, मर मर के जीती है। क्या? मर मर के संग करती है फिर भी रहती है। उसकी यादगार है संग मरमर। क्या यादगार? संग मरमर। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा पार्टधारी है? है? कौन? जो नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनती है। क्या? किसके साथ रहती है? है? राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों के साथ रहती है,
या पंडा के बच्चों के साथ रहती है? है? राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों के साथ रहती है। संग में रह रह करके मर मर के जीती है। उसकी यादगार कहीं कहीं देखने में आता है, संग मरमर का बना हुआ शिवलिंग। तीसरे रंग का नहीं देखेंगे, कलयुग के अंत में भी नहीं। जिसकी यादगार है इंडिया गेट। क्या? कैसा गेट? उसकी यादगार में इंडिया गेट बनाया गया। किसकी यादगार में? भक्ति मार्ग में तो महारानी विक्टोरिया, जो क्रिश्चियन धर्म से आती है, क्राइस्ट को फॉलो करने वाली। क्या? और क्राइस्ट की राशि किससे मिलाई जाती? कृष्ण के साथ। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता का पाठ बजाने वाली कृष्ण की आत्मा, वहां से आती है। कहां से आती है? किसके राज्य से आती है? हैं? संगम युगी। वो आत्मा जो सतयुग में जाकर के कृष्ण बनेगी। कौन? ब्रह्मा, दादा लिखा। वहां से आती है। और जब आती है तो इंद्र आ जाता है। क्या? परतंत्रता का अंत होता है, स्वतंत्रता। तो वो हुआ इंडिया गेट, स्वर्ग का गेट, स्वर्ग का दरवाजा। स्वस्थिति में रहने का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा खोलने के निमित्त बनती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या? अमृत किसने बांटा, अमृत कलश किसको दिया गया? है? लक्ष्मी को दिया गया। महाभारत में उसका नाम कुंती दे दिया है। है यहां की बात। वो लक्ष्मी वाली आत्मा आएगी जिसके लिए पहली अव्यक्तवाणी के अंत में महावाक्य बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। क्या? कैसी शक्ति? शिव शक्ति। असुरों की शक्ति नहीं, मनुष्यों की शक्ति नहीं, क्योंकि मनुष्य को शिव नहीं कहा जा सकता। क्यों? मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन करता है चंचल मन के द्वारा, उसे कहा जाता है मनुष्य। और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? है? नहीं। तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो ही मनुष्य जिससे मनुष्य को भगवान आकर के नर से नारायण बनाते हैं, तो वो मनुष्य
अगर पुरुषार्थ करे ईश्वरीय बताए हुए रास्ते पर तो वो क्या बन सकता है? है नर से नारायण बन सकता है, वो तो बाद की बात। पहले बाप समान बनता है। क्या कहा? सबका बाप कौन? सुप्रीम गॉड फादर कौन? जिसका कोई बाप नहीं, शिव। शिव निराकार। तो पुरुषार्थ करते करते कोई नर है जो पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में क्या बन जाता? शिव बन जाता। जो तुलसीदास ने कहा, जानत तुम्हें, तुमको जान करके, जो जानता है वो जानने वाला तुमको जान करके तुम ही बन जाई। क्या ये ही जानो ते ही देव जनाई। तुलसीदास ने अपने भगवान से कहा, तुम जिसको जानते हो, रग रग को जानते हो, उसके हर जन्म को जानते हो, क्या उसके हर संकल्प को जानते हो, उसके हर पार्ट को जानते हो, यही जानो हो, यही जानो हो, जिसको तुम जानते हो अच्छी तरह से 100% जानते हो, ते ही देव जनाई। उसको तुम जानकारी दे देते हो, अपनी भी और उसके भी, उसकी भी। नहीं समझ में आ रहा है? कोई को कन्नड़ में समझ में आया हो तो बोल दो। कोई को नहीं समझ में आया? मना शिव निराकार, शंकर जैसे पुरुषार्थी को कहता है कि मैं तेरे को भी अच्छी तरह जानता हूं कि तू आत्मा जन्म जन्मांतर कैसा कैसा, कहां कहां, क्या क्या पार्ट बजाने वाली है, तेरे को जानकारी देता हूं तू कौन है, और अपनी भी जानकारी तेरे को देता हूं। क्या उसकी भी जानकारी और अपनी भी जानकारी देता है। जे ही जानो। तुलसीदास ने भगवान से कहा, हे भगवान, तुम जिसको जानते हो अच्छी तरह से, क्या हे भगवान, ये ही जानो ते ही देव जनाई। उसको तुम अच्छी तरह जानकारी दे देते हो, उसकी अपनी भी जानकारी जन्म जन्मांतर की दे देते हो, अपनी भी और उसको भी जानकारी दे देते हो, तू कौन है। और फिर रिजल्ट क्या होता है? जब वो दोनों की जानकारी जान जाता है, अपने बारे में भी जान जाता है कि मैं आत्मा कौन सा पार्टधारी हूं, क्या क्या पार्ट बजाता हूं, और अपने आत्मा के बाप को भी जान जाता है अच्छी तरह, तब क्या होता है? जानत तुम ही, वो तुमको जानते हुए
तुम ही हो जाई। क्या हो जाई? तुम ही हो जाई, माना शिव समान हो जाता है। यही बात मुसलमानों ने कह दी, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम खुदा नहीं है क्योंकि वो बेचारे जानते ही नहीं है। मुसलमान ये बात नहीं जानते हैं क्या? उसको तो मानते हैं कि वो खुदा है, खुद आता है, उसको कहते हैं कि वो खुद आता है। बिना बुलाए आता है, यही बात मुरली में कही ब्रह्म वाक्य में। क्या? मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं ये कोई को पता ही नहीं चलता। इस ब्रह्मा को पता चलता है, इसको भी पता नहीं चलता। ठीक है, ये उसकी बात हुई है ना, कि वो कब आता है कब चला जाता है कोई को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो निराकार है। भूत प्रेत आते हैं तो चेहरा मोहरा चेंज हो जाता है, गुलजार दादी का चेहरा मेरा चेंज हो जाता है, सबको पता चल जाता है आ गए आ गया। लेकिन वो आता है तो कोई को, क्योंकि वो तो हल्की फुल्की बिंदी है ना, सूक्ष्म शरीर की ताकत होती है सूक्ष्म आत्माओं को। इविल सोल हो या वो फरिश्ताओं की सोल हो, उनमें ताकत बहुत होती है, इसे जिसमें प्रवेश करते हैं उनका शरीर थर्रा जाता है। वो तो हल्का फुल्का है, तो वो जब आता है और जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलता, तो वो खुद आता है कहता है, मैं बुलाने से नहीं आता। 2500 साल बुलाया भक्ति मार्ग में, बुलाने से आया नहीं आया। तो किस मुसलमान लोग इतना जानते हैं कि वो निराकार बुलाने से नहीं आता, खुदा आता है, तो उसको कहते हैं खुदा। लेकिन भारत के लोग सिर्फ निराकार को नहीं मानते भगवान, साकार को भी भगवान मानते हैं। निराकार और साकार दोनों के मेल को भगवान मानते हैं, जिसकी यादगार है शिवलिंग। कैसे? जिसमें आता है वो आता है ना, उसे जानकारी देता है ना, अपनी भी और उसकी भी जानकारी देता है ना, तो उसे जानकारी हो जाती है। सबको तो नहीं देते, सबको देता है क्या? हैं? सबको देता है, सबको नहीं देता, उसको जानकारी हो जाती है। तो जब जानकारी हो जाती है तो जिसको जानकारी हो जाती है वो क्या करता है? अरे कुछ करता है कि ऐसे ही बाप की प्रॉपर्टी लेके बैठ जाता है? देता है, देता है, है? देता है। देखो, देने वाला दाता देगा तब, जैसे कोई बाप मल्टी मिलियनायर है, अपने बच्चों को वर्षा देगा, काहे का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनायर का, अरबपति करोड़पति शंखपति बाप है, काहे का वर्षा देगा, अरबपति का वर्षा देगा,
धनवान है तो धन का वर्षा देगा, खुद नहीं होगा। बाप खुद धनवान नहीं होगा तो बच्चों को देगा है? नहीं देगा। तो उसने जो बाप से वर्षा लिया, अखूट भंडार लिया ना, कोई कोई बच्चे होते हैं बाप की प्रॉपर्टी ले तो लेते हैं फिर संभाल नहीं पाते, उसकी वृद्धि नहीं कर पाते। कर पाते हैं? नहीं कर पाते, उड़ाए देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, होता है ना। तो दूसरा मिसाल देते हैं, गाय भोजन खाती है, खाने के बाद सारा दिन जुगाली करती रहती है तो उसका खून बनता है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं अच्छे तरह से चबा चबा के खाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, चबाएंगे नहीं, मुंह में डाला और निकल गए तो खून जल्दी नहीं बनने वाला और ही बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो यही बात है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास ने ज्ञान का चंदन घिसा, मंथन किया। तुलसीदास ने क्या किया? ज्ञान का चंदन घिसा और भगवान ने आकर के उनको विश्व की बादशाही का तिलक दे दिया। तुलसीदास कौन? ब्रह्मवाक्य में बोल दिया, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दिए। तो बताओ रामायण में ये जो लिखा है, तुलसीदास चंदन की सह तलक दे रघुबीर, ये कौन सी आत्मा ने लिखा? राम वाली आत्मा ने लिखा। राम वाली आत्मा जो है वो कौन से वंश की गाई जाती है? रघु माने सूर्य, सूर्य वंशी गाई जाती है। तो जो असल सूर्य है वो ही सृष्टि पर आता है, वो ही गीता में कहता है मैं जब आता हूं तो जिसको ज्ञान देता हूं उसको टाइटल देता हूं सूर्य। क्या क्या टाइटल देता है? सूर्य। मैं सूर्य को आकर ज्ञान देता हूं। तो राम वाली आत्मा जिसके लिए ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, माने राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि उसे ब्रॉड ड्रामा के शूटिंग पीरियड में संगम युग में उसे बाप मान लेती है, तब बाप कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, फादर कहे और फादर कभी मिले ही नहीं वो फादर नहीं हो सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं। क्या कहा? सारी दुनिया की माने एक भी आत्मा इस संसार में ऐसी नहीं बचेगी जो बाप के सामने साक्षात्कार न करे। सारी दुनिया उसे पहचानेगी और याद करेगी। इसलिए वही आत्मा बोलती है मन मना भव। क्या बोलती? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, मेरे मन में समाजा। अरे तेरे मन में क्या है?
क्या है? एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा ना कोई। तो उसमें कोई समाएगा तो क्या बनेगा है? अरे ज्योति बिंदु ही बनेगा ना। तो सारे संसार के प्राणी मात्र उस ज्योति बिंदु में नंबरवार समा जाते हैं। वो बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, और पहले पहले क्या पार्ट बजाता है? मां। अरे गीता में बोला है, हम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। ज्ञान का बीज बोने वाला कौन है? कौन सा बाप? दो बेहद के बाप है। ज्ञान का बीज बोने वाला कौन? जो कहता है मैं ज्ञान का बीज बोने वाला, हम बीज प्रदत्त पिता, कौन? अरे इतनी देर शिव बाप किस में बोता? परम ब्रह्म में ज्ञान का बीज बोता। वो माँ उस ज्ञान के बीज को धारण कर लेती है। धारण करके जिन बच्चों का जन्म देती है वो बच्चे कहे जाते हैं रुद्रवत्स। क्या कहे जाते? रुद्रवत्स। किसके वत्स? किसके बच्चे? रुद्र के। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करे। इस दुनिया का विनाश होता है तो कौन सी आत्मा है प्रैक्टिकल में जो भयंकर रौद्र रूप धारण कर लेती है? है शंकर। बाबा तो कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है। शंकर का तो फालतू नाम ही लगा दिया। जब शंकर कुछ करता ही नहीं, वो तो चित्रों में क्या दिखाया जाता है? चरित्र की यादगार दिखाई गई है कि याद में बैठा है। तो याद में कोई कर्म इंद्रियों से कर्म किया जाता है क्या? है कर्म इंद्रियों का उसे बहाने नहीं। जब संपन्न स्टेज के पुरुषार्थ में पहुंचता है तो उसे कर्म इंद्रियों का कोई भान रहता ही नहीं। तो वो करता है विनाश है। फिर कौन करता है? हाँ, वो ऐसी पावर पैदा कर लेता है योग बल की। काहे की? योग बल की पावर। योग माने लगाओ, अटैचमेंट। क्या? योग माने लगाओ, अटैचमेंट, प्यार। प्यार की वो शक्ति है। क्या ऐसी शक्ति है कि चाहे तो सारी दुनिया को विनाश के घाट पहुंचा दे। कालों का काल महाकाल बन जाए। ऐसी विकराल योग की पावर प्राप्त कर लेता। अरे वो कुछ करता ही नहीं तो विनाश कैसे? कर्मेंद्रियों से नहीं करता, कर्मेंद्रियों से भी नहीं करता, ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं करता। ये तो सिर्फ गाते हैं कि आंख खोली और काम भस्म हो गया। अरे कोई ऐसा काम देवता अलग से कोई होता ही नहीं है।
वो तो अपने अंदर की कमजोरी का नाम है, काम विकार। उसको उन्होंने, कवियों ने देवता का रूप दे दिया। क्या देवता? क्या देता है? सुख देता है, सदाकाल का सुख देता है, क्षणभंगुर सुख देता है। सदाकाल का देता है, क्षणभंगुर सुख देता है। देता तो है, देता नहीं, देता तो है। इसलिए चलो, देवता तो है, उस देवता को भस्म कर दिया। ये कवियों की भाषा है, बाकी ऐसा नहीं है कि एक के भस्म करने से सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। हाँ, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस बीज में से वो काम विकार नष्ट हो जाए तो सारी दुनिया में से क्या, दुनिया का बीज है ना, बीज में से काम विकार भस्म हो जाए तो सारी दुनिया में से भस्म हो जाते। तो वो खुद नहीं विनाश करता कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कि अल्लाह अल्लाह आंखें निकालेगा तो विनाश हो जाएगा, नहीं। वो बुद्धि से, बुद्धि का वाइब्रेशन बनाकर, क्या, बुद्धि की संकल्प शक्ति से, ऐसी एकाग्रता की, बुद्धि की पावर पैदा करता है कि खुद नहीं करता, ज्ञान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से कराता है, प्रेरणा देता है। और प्रेरणा देना ये कर्मेंद्रियों का काम नहीं है, ज्ञानेंद्रियों का काम है? नहीं, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का काम नहीं है। किसका काम है? है प्रेरणा लेना और प्रेरणा देना, जो भूत प्रेत है ना, वो वाइब्रेशन को पकड़ते हैं। क्या क्या कहा? कोई भी भूत प्रेत की आत्मा लंदन में प्रवेश कर रही हो और जिस औलिया ने, तांत्रिक ने उसे बांध रखा है, वो किसी में उसे प्रवेश कराना चाहता है तो कहेगा उसे याद करो, याद का वाइब्रेशन बनाएगा ना। जैसे ब्रह्मा कुमारियां गुलजार दादी में जब आह्वान करती हैं ब्रह्मा का, तो वाइब्रेशन बनाती हैं कि नहीं, है? याद का वाइब्रेशन बनाती। किसकी याद का वाइब्रेशन है? ब्रह्मा की याद का वाइब्रेशन बनाती है, तो वो आ जाते हैं। कोई भी भूत प्रेत वाइब्रेशन को पकड़ करके कितनी भी दूर हो, फट से आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी हुई? वाइब्रेशन की पावर। ये वाइब्रेशन की पावर से शंकर शक्तियों को प्रेरणा देता है। क्या करता है? है ये विनाश का काम करो, और शक्तियां विनाशकारी बनती हैं, संहार कारणी, असुर संहार कारणी। अब्बल नंबर का नाम क्या है? उस अब्बल नंबर शक्ति का नाम क्या है? महाकाली। उस महाकाली के भी मस्तक पर कौन विराजमान है? वो ही भूत प्रेत आत्मा। क्या कहा है? जो महाकाली है वो तो डब्बा है, उस डब्बे के द्वारा काम कराने वाली शक्ति कौन, पावर कौन? अधूरा चंद्रमा, ब्रह्मा। तो वो अधूरा चंद्रमा जो है,
वो है विनाशकारी, वो आत्मिक रूप में है, सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर से वो शरीरधारणी है। तो नाम किसका होगा, शरीरधारी का कि सूक्ष्म शरीरधारी के आत्मा का? अरे नाम शरीर का होता है या आत्मा का होता है? शरीर का नाम होता है। तो शरीर का नाम हो गया, महाकाली ने विनाश कर दिया। सारी दुनिया की आसुर असरों का विनाश करती है तो अनिश्चय बुद्धि बनाती है बाप के ऊपर या निश्चय बुद्धि बनाती है? है अनिश्चय बुद्धि बनाती है माया के प्रभाव में आकर, माया से हाथ मिलाकर अनिश्चय बुद्धि बनाती है बाप से अनिश्चय बुद्धि। जो बाप के सहयोगी थे भुजाएं के रूप में, उनको अनिश्चय रूपी मौत दे दी और उन भुजाओं को अपनी कमर से बांध लिया, अपनी कमर की गुप्त इंद्रियों की लज्जा बचाई ली। काली माई काला मुंह वाली ऐसे ही थोड़ी बन जाती है, काले कर्म करती है तब काली बनती है कि गोरे कर्म करती है? काले कर्म करती है, काले कर्म करके वही महाकाली जो सात्विक रूप में जगदम्बा कही जाती है, जो कामधेनु गैया कही जाती है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, कामधेनु क्या करती है? सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लक्ष्मी क्या करती है? सिर्फ ज्ञान धन जो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की दी हुई कामना को पूर्ण करती है। और महाकाली सब कामना, अच्छी हो बुरी हो, सब कामनाओं की पूर्ति करती है। और ये काम खास युवाओं के द्वारा कराती है। एडवांस ज्ञान में जो कुमार चलते हैं, चलते हैं ना, है उन कुमारों की, युवाओं की जो बलवती एक इच्छा है उसकी पूर्ति एडवांस में होती है क्या? है? है? नहीं होती। तो महाकाली निकलती है एडवांस ज्ञान का अपोजिशन करने वाली, जो कुमारों को आकर्षित कर लेती है कि तुम्हारी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी कामधेनु गैया के रूप में। अब कुमार तो खुश हो जाएंगे, खुश नहीं होते हैं? खुश हो जाते हैं। तो फिर तो उनसे चाहे जो कुछ काम करा लो। तो अभी लास्ट संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी को दिया और क्या बताया, कौन फोड़ेंगे परमात्मा बांब? युवाएं परमात्मा बांब फोड़ेंगे। बांब फूटता है तो क्या असर होता है? धरणी हिल जाती है, धरणी हिलती है तो बड़े बड़े भूकंप आते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होता है भूकंप से। ये कन्याओं माताओं रूपी धरणी है एडवांस की दुनिया में। क्या जब ये ग्लानी का परमात्मा प्रत्यक्षता बांब फटता है तो क्या होता है? जितनी माताएं कन्याएं हैं वो सब बंधन में आ जाती।
तो माताएं हिलेंगी या नहीं हिलेंगी? माता रूपी धरणी हिलती है या नहीं हिलती है? हिल जाती है। तो बड़े बड़े भूकंप आते हैं वाइब्रेशन के आधार पर, क्योंकि कन्याओं माताओं की एक बार पक्की लगन जहां लग जाए तो फिर तन को कोई बांध सकता है, मन को कोई नहीं बांध सकता। और मन के वाइब्रेशन से जो पावर पैदा होती है वो वाइब्रेशन थरथल्ला ला देती है ब्राह्मणों की दुनिया में। ओम शांति।